नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर पर, देश दुनिया की घूमने फिरने वाली जगहों के बारे में रिपोर्ट। केरल दौरे पर आपने अब तक बहुत कुछ देखा है, आज मैं ले चलूंगा आपको नीलांबूर। आप में से कईयों ने यह नाम शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन नीलांबूर अपने आप में प्रकृति का खजाना है। केरल के अरब सागर के किनारे स्थित शहर कोझिकोड से करीब 60 किलोमीटर दूर मल्लापुरम जिले का यह शहर सागौन की लकड़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आप जानते हैं सागौन या टीक की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर के अलावा बहुत से काम में किया जाता है। ब्रिटिश शासकों ने वर्ष 1840 में यहाँ टीक का प्लांटेशन शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचने कि सड़क जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत यह कस्बा भी है। यहाँ एक अनूठा संग्रहालय है, टीक संग्रहालय है, जहाँ टीक की लकड़ी का पूरा इतिहास, भूगोल और उसके सफ़र की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा शायद आप नहीं जानते होंगे, नीलांबूर से सोनानूर तक करीब 68 किलोमीटर की लंबाई में एक बेहद खूबसूरत रेलवे रूट है, जिसे भारत के सबसे हरित रेलवे रूट का दर्जा हासिल है। मैंने नीलांबूर में एक रात ठहरने का फैसला किया केरल दौरे पर। वहाँ म्यूजियम देखा टीक का, उसके बाद नीलांबूर से सोनानूर के बीच इस ट्रेन से सफ़र भी किया। तो आइए आपको बताता हूँ कितना खूबसूरत है, क्या खासियत है इस कस्बे की। तो इससे आप अगली बार केरल दौरे की योजना बना रहे हो तो इस छोटे से खूबसूरत कस्बे को भी अपने आइटिनरी में या सूची में जरूर रखिएगा और आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ वायनाड से नीलांबूर के सफ़र पर, वहाँ रहने के ठिकाने के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं। एक बार आपसे अनुरोध कि जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। सुबह हो गई, अब आज वापसी है वायनाड से हमारी। यही है रिसोर्ट पेपर ग्रोव। धूप खिली है, हल्की ठंड है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ वायनाड के नाम में बहुत कुछ रखा है। असल में वायनाड दो शब्दों को मिलकर बना है, वायल और नाडू। इसका मतलब होता है मलयाली में कि जो जगह हमेशा हरी भरी और उपजाऊ रहती हो, तो वहीं वायल नाडू आगे चल के अपभ्रंश होकर वायनाड बन गया। और ब्रिटिश के ज़माने से ही यह जगह काफ़ी उपजाऊ और हरी भरी है, और हरियाली आप यहाँ देख ही चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे। खेलने के लिए कैरम बोर्ड भी है यहाँ। वायनाड का हमारा दौरा पूरा हुआ, अब यहाँ से काफ़ी बढ़िया गुजरे 3 दिन। अब यहाँ से निकल रहे हैं नीलांबूर, टीक प्लांटेशन के लिए मशहूर है। 3-3.5 घंटे का समय लगेगा पहाड़ियों से उतरकर, वहाँ दिखाऊंगा आपको टीक प्लांटेशन। तो चलिए चलते हैं नीलांबूर। काफी सुंदर मकान बने हैं वायनाड में भी।
इसका नाम लूलू मॉल था, लेकिन अब विवाद हुआ जब लूलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर, तो इसे एल हटा दिया गया है, उल्लू मॉल हो गया है, उल्लू वेडिंग सेंटर। देखिए सब में से एल गायब है। अब हम लोग बेंगलोर मैसूर हाईवे पर पहुंच गए हैं। के चाय बागान एलिस्टन टी स्टेट, पहाड़ियों और चाय बागान के बीच से गुजरते हुए नीलांबर की ओर। रास्ते में रुके एक होटल में कुछ हल्का फुल्का टेस्ट एंड मिस्ट। ऊपर पहाड़ियों पर चाय बागान लगे हुए हैं, चाय के पौधे। अब हम नीलांबर पहुंच गए हैं, कुछ देर में ही KTDC का होटल टैमरिंड आ जाएगा हमारा। इतना सुंदर इलाका है, कितनी हरियाली है, पेड़ पर छांव, दोनों तरफ पेड़ हैं, उसकी सड़क पर छांव पड़ रही है, देख सकते हैं। KTDC होटल आ गए नीलांबर में अपने, आज यहीं रुकना है। होटल तमरिंड केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल है नीलांबर में। ऊटी और मैसूर जाने वाली सड़क, मैं KTDC के नीलांबर में तमरिंड होटल में हूँ, और मेरे पीछे एक तरफ सड़क, दूसरी तरफ जंगल, हरे भरे पेड़।